नमस्कार, मैं विशाल अखबार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जो भी फनी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फनी जी, नमस्कार, जय श्री राम विशाल भाई। नमस्कार, जय श्री राम। ये फिर से पुराना लुक, वही पुराना अंदाज। ये आप तो क्योंकि इंटरनेशनल मामला है तो अमर अकबर एंड धोनी होना पड़ेगा। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, ये सुबह सुबह की खबर आई जो कि हमास के आतंकवादियों ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया, बुलडोजर लेके घुस गए और 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। उसके बाद इसराइल ने भी शुरू किया। अब तक की ताजा अपडेट ये है कि 100 इसराइल के नागरिक और 200 पैलेस्टीन के नागरिक मारे जा चुके। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज की निंदा की और घायलों के प्रति संवेदना जताई। तो फनी जी, क्या है मामला? पहले आप थोड़ा इस चीज के ऊपर प्रकाश डालें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। वैसे भी हमारा देश कड़ी निंदा और प्रार्थना या आलोचना के लिए ही जाना जाता है, और कुछ तो इनके कार्यकाल में तो यही फेमस है, कड़ी निंदा आलोचना करता है, तो भारत की यही छवि है वैसे तो। हाँ, इसराइल की जो इतने सारे रॉकेट दागे गए तो इनका जो एक्चुअली डिफेंस सिस्टम तो काफी मजबूत है, एंटी मिसाइल वो हवा में ही गिरा देता है, लेकिन 5,000 के करीब चारों तीन चार तरफ से हमले किए गए, काफी प्री प्लान और बड़ा अटैक था, तो सिस्टम चरमरा गया और इसी के चलते। लेकिन इनका प्लानिंग काफी बड़ा लगता है, जिस तरह से खबर आ रही है कि वो क्या बोलते हैं, फ्लाइंग वो लेके भी अंदर घुसे हैं, तो प्लान उनका काफी बड़ा था और एग्जीक्यूट हो गया उनका, लेकिन इसराइल भी रिटेलिएट करने में माहिर है, तो अभी देखते हैं आगे क्या करता है। जी, और उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि जेरूसलम के मस्जिद के ऊपर कब्जा कर लिया और जो इसराइल के जो शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं उनको भड़का रहा था कि अल्लाह ने मतलब तुम्हारे हाथों से इस जिहाद के लिए किया है, विजय तुम्हारी होगी, सारा काम अल्लाह करेगा लेकिन हाथ तुम्हारा होगा, मतलब तुम्हें लड़ना होगा, लड़ने के लिए उनको उकसा रहे। हाँ, क्योंकि ये तो है ही उनका जो मोटो है, पैलेस्टाइन और ये इस्लामिक संगठन और उनके हमास जो के उनकी आर्मी है, उनका तो एक तरह से उन्हीं के नाम पे वो चलता है, और इनको काफ़ी इस्लामिक कंट्रियों का समर्थन भी है, इंडिया का भी है, पहले से है स्टैंड, और महामानव ने भी काफ़ी मदद की है, तो मस्जिद पे कब्जा करके ये जो वो कोई नई बात नहीं है, जो उनको सिखाया जाता है वो वही बताया है, लेकिन एक तरह से वो हम विजय हो गए या उस तरह का संकेत हो सकता है मेरे हिसाब से। जी, आप लोगों ना हम सारी चीजें दिखाएंगे, भारत का अब तक क्या क्या ये रहा और ये नेहरू के समय से चलता आ रहा है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप नेहरू को कोस कर वही काम कर रहे होते हैं। इससे पहले जो इसराइल पैलेस्टीन का मामला सामने आया था उस समय भी यही हुआ था कि भारत ने अंततः क्या हुआ कि पैलेस्टीन के पक्ष में वोट किया। वो मैं आपको दिखाता हूँ। और उससे पहले भी इसी तरह मामला चलते रहे थे, वाजपेयी जी के समय में भी। फनी जी, आपने भी जो ट्वीट किया थी, जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, इनका गहरा रिश्ता था, वाजपेयी ने वही कांग्रेस की नीति को आगे बढ़ाया था। आप दिखा दो फिर मैं उसके ऊपर टिप्पणी करता हूँ। पहले तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ताकि किसी लोग कंफ्यूजन होगा। मास्टर स्ट्रोकवादी इसराइल के पक्ष में झूम रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मास्टर स्ट्रोकवादी को अगर सबसे ज्यादा कोई अगर बढ़िया से चपेट लगाता है तो महामानव ही लगाते हैं। और हर मामले में ऐसा ही रहा है, जिसको गाली दे रहे होते हैं उसी के वो कसीदे पढ़ रहे होते हैं और जिसकी जय जयकारे कर रहे होते हैं उसी के विरुद्ध वो चले जाते हैं। अब देख लीजिए, इसराइल के खिलाफ गया भारत, यूएन में फिलिस्तीन के पक्ष में किया वोटिंग। ये 21 नवंबर 2019 की,
घटना है। तो प्रधानमंत्री तो यही थे या कोई और अन्य था? नहीं नहीं यही थे, इन्होंने काफी कुछ किया है। और यही नीतीन्याहू थे, उनके अभी हाथ पकड़ के वोट बटो रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट बनके, लेकिन काम तो उनके मास्टर स्ट्रोक वाले कुछ और ही होते हैं। तो मास्टर स्ट्रोक वादी को ही ज्यादा झूमने का मौका देते हैं, तो ये उनमें से क्या काम तो इन्होंने बहुत सारे किए हैं पैलेस्टाइन के लिए। काम हो गया। और ये अपडेट आपको जो हमने आप बताया था वो आपको अपडेट बता दें, और अगर भारत जैसी ऐसी घटनाएं हो तो हमें लगता है इतने समय में तो नेताओं की प्रतिक्रिया भी नहीं आती है। अगर देखा जाए तो मणिपुर की घटना से तो बहुत बड़ी है। जी जी हाँ, वहाँ पे तो उनकी वो चुप की क्या मुंह पे, तब तो वो गांधी बन जाते हैं ना, तो ये तो इंटरनेशनल प्रधानमंत्री बने हैं। तो बहुत सारे मास्टर स्ट्रोकवादियों का तो मानना है कि ये भारत के नहीं पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री हैं, तो दुनिया पे तो बोल जाएंगे ये छोटे मोटे मामले उनको लगते हैं। मणिपुर में क्या बोले, ये दिल्ली दंगों पे क्या बोले, यहाँ बंगाल में क्या बोले, तो ये सब महामानव का जो एक चेहरा है कि शांति प्रिय और विश्व पटल पे अपनी छवि, और ये जो गोदी मीडिया बताता है तो उसी में से ये एक चेहरा है उनका दिखाने की तरह, वो मणिपुर पे चुपकी साथ देते हैं। अच्छा, आपने दिल्ली दंगे की बात की है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। उसमें जो मोहम्मद शाहरुख था, जिसको रवीश कुमार ने अनुराग मिश्रा बताया था, जिसने पुलिस के ऊपर बंदूक ताना था, उसको जमानत मिल गई है। तो जितने भी मास्टर स्ट्रोक है उस मास्टर स्ट्रोक में एक और मास्टर स्ट्रोक आप ऐड कर सकते हैं। वो तो मिले महामानव जी, महामानव के कार्यकाल में तो ये होना ही वाला था। हाँ बिल्कुल, वो तो आरोपी बना दिए गए, ये भी बहुत बड़ी बात हुई। वैसे तो पूर्व में तो आरोपी भी नहीं बनाए जाते थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कहाँ आरोपी बनाते हैं, केस ही नहीं फाइल करने होते हैं। ये स्टेलिंग के खिलाफ भी कितनी मेहनत की सब लोगों ने, तब जाके एकम की तरफ से उसको कोर्ट में, जम्मू कोर्ट में घसीट करने में कामयाबी मिली, या वरना ये डबल इंजन लेके ले बैठे हैं कई स्टेटों में, लेकिन एक FIR नहीं कर पाए। उसके बाद देखिए जो आपको हम दिखा रहे थे, ये पहले आप देख लीजिए कि इसराइल कैसे काम करता है। इसराइल पैलेस्टीन क्राइसिस अपडेट्स, एटलीस्ट 100 इजराइल सेंट 200 पैलेस्टीनियन किल्ड आफ्टर हमास अटैक ट्रिगर्स मेजर एस्केलेशन। तो इस सुबह की जो घटना हुई उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने बोला था कि मतलब इस तरह से जवाब दिया जाएगा कि उन्होंने सोचा भी नहीं हुआ, और तुरंत एक्शन लिया गया इनके डिफेंस फोर्सेस ने, गाजा के ऊपर हमला किया और उसका जवाब दिया। अब इसमें जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इस्लामिक कंट्रीज खुलकर इसके साथ आने लगे, और भारत में भी जो एक धड़ा है वो भी हमास के साथ खड़ा है। हाँ, हमास कह लो पैलेस्टाइन कह लो, एक एक ही चीज है। तो लेकिन जो भारत का जो इंडिया की पॉलिसी रही है वो भी पैलेस्टाइन को लेकर उन्हीं के फेवर में ही रही है, इजराइल के अगेंस्ट ही रही है शुरू से। और उसमें वाजपेयी महामानव मोदी जी की गवर्नमेंट का भी काफ़ी कुछ योगदान है, वो जो कि मोदी जी तो उसको बहुत आगे तक ले गए, सिर्फ UN में मान्यता और उसके चलते नहीं, उसके भी वोटिंग के चलते नहीं, बहुत सारी चीजें की है उन्होंने। और ये जितनी भी इस्लामिक कंट्री आई है इनके सपोर्ट में पैलेस्टाइन के हमास के, उसमें ईरान है विशाल भाई जो खुशियां मना रहा है। तो ईरान के साथ आपने, आपको याद हो तो चाबहार पोर्ट महामानव ने शुरू किया था, वहां से अफगानिस्तान चाबहार पोर्ट, ये सीपैक को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान से चाइना का वो जा रहा है चाबहार पोर्ट, सुषमा स्वराज थी।
तो उस पोर्ट को विकसित करने में काफी पैसे लगाए, ईरान को भी काफी मदद की है। भारत ने ऐसे ही दोस्त बनाए, ईरान हो, कतर हो। ईरान के बारे में तो बात कर रहे थे। गौरवपूर्ण ऑपरेशन ईरान अधिकारियों ने हमास के आतंकवादी हमले की प्रशंसा, जिसमें 100 से अधिक यहूदी मारे गए, तो ईरान ने उसकी प्रशंसा कर दी। जी, और महामानव के कार्यकाल में सभी ऐसे ही दोस्त बनाए, ईरान में भी 4 बार पोर्ट में पैसे डाले हैं। अब किसी भी यहूदी मीडिया वालों से पूछोगे कि भाई वो पोर्ट का वो उसका हुआ क्या, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो पोर्ट का प्रोजेक्ट भी वैसे ही पैसे फेंके और सारा कुछ फेल हो गया। 4 बार पोर्ट का पूरा जो मसला था, और काफी पैसे ईरान को भी मदद की है जब उसके ऊपर पाबंदियां लगी थी, और ये तेल का बहाना ने ढूंढते हैं, भाई तेल तो काफी लोगों के पास है, अभी रशिया के से ले रहे हैं, तो उससे पहले अमेरिका के पास भी तेल है, तो ये तब वो ईरान के साथ इसका बहाना कर रहे थे, सस्ता महासुखवादी ये बता रहे थे, अभी रशिया से ले रहे हैं, तो ये सारा। लेकिन भारत ने महामानव के कार्यकाल में विशाल भाई सभी इंक्लूडिंग छोटे मालदीव, तो एक छोटा मच्छर जैसा टापू जी है, उसको भी इतने दया धर्म अपना के इतना बड़ा किया है, वो भी उसी में ही आता है, मानव मानव के कृपा उनके ऊपर भी काफी रही है, और वो भी इंडिया के अगेंस्ट बयान देता रहता है। जी, वाजपेयी अटल बिहारी का वाजपेयी ने ना प्रेमाला बहुत याराना लगता है। काफी याराना था इन्होंने। एक्चुअली ये कांग्रेस ने शुरू किया था, तो उसको वही कांग्रेस की जो ये नेहरू ये सब करते हैं, वही कांग्रेस की पैलेस्टाइन को लेकर जो पॉलिसी थी वही वाजपेयी ने अपनाई थी, और इनको भी बड़ा बनाया, ये पैलेस्टाइन को, यासर अराफात को, और ये तो काफी गहराना बचपन का याराना जैसे मोदी जी करते हैं, वैसे ही जादू की जप्पी वाला पोज या कुछ उससे आगे भी लगता है ये तो ऐसे तो ये उनका रहा है। बीजेपी सिर्फ चुनावी जंगलों में, ये नेहरू वो सब बाकी पॉलिसियां तो वही कांग्रेस ने जो डाली थी उससे कहीं आगे ले गई है। वो आपको दिखाएंगे और तो महामानव जी का भी याराना दिखाएंगे, उसको भी देखकर आप कहेंगे कि बहुत याराना लगता है। ये जादू की चप्पी और जादू की पप्पी है ये यासर अराफात को है ना, और वो वैसे भी किसिंग बॉय था अभी और दिखाते हैं आपको, आप लोग बने रहिए और इसमें देखिए अभी आपको क्या कहें, मतलब आज आगे भी दिखाएंगे कि किस तरह से, अभी तो ठीक है इसराइल ये कर रहे हैं सारे, हिमाचल प्रवासी भी क्या करेंगे कि इसराइल इसराइल लाएंगे, पता चलेगा कि समर्थन की बात आएगी तो मानो जी अपने, क्योंकि देखिए भारत में चाहे जो भी हो लेकिन वैश्विक स्तर पर दीन वाले इनको पहचानते हैं और एक ही दीन वालों को पहचानते हैं, वैसे प्रयास तो भारत में भी कर रहे हैं लेकिन भारत वाले थोड़ा सा भी संदेह की नजर से देखते हैं इनको, लेकिन हम लोग सफल रहे तो ये मतलब भारत वाले भी इनको बहुत प्रेम से देखे हैं। अभी वैसे हमास ने विशाल भाई सबको अगल बगल वाले सबको सिखा दिया है कि हम ऐसे भारत को भी इंडिया को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसराइल के आगे तो यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम इतना है ही नहीं, यहाँ तो सीमा हैदर ऐसे बिना पासपोर्ट के भी घुस सकती है, तो अपना सिक्योरिटी सिस्टम तो हमें हमको पता ही है, बांग्लादेशी रोहिंग्या बताइए देखिए ये याराना, ये ग्रैंड कॉलर, अब देखिए पैलेस्टीन से इनको अवार्ड मिलता है तो हाँ तो उनको पता है ना कि ये दीनी कार्य में लगे हैं,
तो उनको तो मिलना ही था, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज ने दिए हैं तो ये तो देंगे ही, और फिर अपना काम करवा ही लेते हैं और महामानव भी खुशी खुशी कर लेते हैं वो काम। दिल जो जितना है विश्वास, विश्वगुरु वसुदेव कुटुंबकम, पता नहीं वो सारे डायलॉग इन्होंने यूज कर करके, तो इनको तो अवार्ड मिलना ही था। बाकी वो सऊदी अरब ने भी दिया है, कतर ने भी दिया है, इस्लामिक कंट्रियों की तो पर तुर्की ने भी टिकी है, वो टिकट डाक टिकट जारी किया था, हार्डली कोई बाकी होगा इस्लामिक कंट्री में। हाँ बिल्कुल, अगर अब मेरी आवाज सही आ रही होगी आप लोगों को। हाँ तो इस्लामिक कंट्री तो इनको पहचानते हैं, ये भी पहचानते हैं, और ये सब तो तेरी इन्होंने संवेदना जाहिर कर दी, लेकिन अंदर अंदर कितना दुखी होंगे ये तो फनी जी ही बता पाएंगे क्या। ये जो 200 हमास के मारे गए हैं आतंकी, तो मोदी जी क्या इसमें मतलब प्रसन्न होंगे या काफी दुखी होंगे? अरे रो पड़े होंगे अभी तो, मुझे लगता है उनके आंसुओं का तो बाढ़ आ गई होगी, और इतना व्यथित होंगे। मुझे लगता है जैसे यहाँ पे स्कीम वो एक दो पैकेज और पैलेस्टाइन के लिए वो डिक्लेयर करेंगे उनकी मदद के लिए, तो उन्होंने तो काफी पैसे, यहाँ पैसे भी दिए हैं विशाल भाई, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को सिर्फ कतर और वो पैसे देता है, कतर या ईरान, या ईरान को तो ऊपर तो पाबंदी है, तो कतर सऊदी अरेबिया या वो लोग तो पैलेस्टाइन टू को, पॉइंट फाइव मिलियन इन्होंने भारत ने दिया था उनको, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बिल्कुल अभी आपको दिखाते हैं कि 2.5 मिलियन भारत ने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया था। महामानव कहो, भारत नहीं, महामानव ने दिया था, मोदी जी ने दिया था, हाँ मोदी जी ने वो दिया तो था, एक बात है। वो तो कांग्रेस भी नहीं कर पाई, वाजपेयी भी नहीं कर पाए कि पैसों की मदद करें, लेकिन महामानव ने कर दिया, पैसे भी दिए और वैक्सीन भी दिए हैं मुफ्त में। देखिए आज एक बात है, आज अगर जो 57 इस्लामिक कंट्री है, उस 57 इस्लामिक कंट्री को अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को भरोसा, किसी के ऊपर भरोसा है, तो वो जो कि खुद को औलिया बताते हैं, मास्टर स्ट्रोकवादियों के हिंदू हृदय सम्राट, जी, और हमारे पसंदीदा हृदय सम्राट कहो, क्योंकि उनके लिए भी 300 से ज्यादा योजनाएं हैं, तो इनके विश्वव्यापी रूप में तो ये है ही। मालदीव को भी पैसे दिए हैं, ये 2.5 मिलियन, बोलो यहाँ पे लोगों के वहां वाट लगी कंडीशन हुई एंड है। हेल्थ केयर फॉर कलेक्टिंग एंड रिफ्यूजी, उनके रिफ्यूजीज के लिए के स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए, सॉरी शिक्षा और हेल्थ के लिए 2.5 मिलियन दे रहे। तारीख भी बता दो कि महामानव ने दिए हैं विशाल भाई, तो इनको पता चले कि ये महामानव ने मोदी जी की कृपा से ये पैलेस्टाइन को 2022 की नेक्स्ट बात लेवल है लेवल का सपोर्ट। ये 2022 की बात है, पसमांदा सम्राट ने दिया था। हाँ, तो वरना मास्टर शोकवादी बोलेंगे कि ये तो कांग्रेस भी कर दी थी भाई, कांग्रेस करने खाली सिर्फ उसको मान्यता देने का सपोर्ट किया, कोई पैसे वैसे कभी कुछ नहीं दिए। इन्होंने तो विशाल भाई पैसे, यहाँ ईरान का मैंने 4 बार रिपोर्ट बताया कि वहां कितने पैसे डाले हैं, और उसका तो कोई अता पता नहीं, पूरा प्रोजेक्ट फेल ना, अब तो चर्चा भी नहीं होती कि वो चल रहे हैं क्या, खत्म हो गया। और एक मालदीव, गुजरात इलेक्शन के टाइम पे आपको याद होगा सी प्लेन लेके आए थे, याद है गुजरात इलेक्शन में सी प्लेन उतारा था विशाल भाई, जी वो भी मालदीव से सेकंड एड लिया था, और वो भी पैसे देकर वहां से फटाफट प्लेन मंगवाया था। मालदीव को भी ऐसे पैसे और दूसरी हेल्प की है, वैक्सीन और दूसरी तरह की, क्रिकेट स्टेडियम बनाने का भी वादा किया है उनको, लेकिन यही मालदीव भी उल्टा उल्टा ही पढ़ रहा है इंडिया के अगेंस्ट।
किसी हर पॉली कश्मीर के से लेके दूसरी कोई भी पॉलिसी के लेके वो भारत के अगेंस्ट ही जाता है, जैसे दूसरे जाते हैं तुर्की और सब। देखिए, एक तो ये थोड़ा सा विषयांतर होगा, लेकिन इनके दीन अंतरराष्ट्रीय दीन से जुड़ा हुआ मामला है। भारत सरकार जो है अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को बनवाती है, वहां पे कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करवाते हैं, 40,000 मेट्रिक टन गेहूं देते हैं अफगानिस्तान को, बाघा बॉर्डर से के रास्ते ये लोग भेजते हैं। यूएस डॉलर का अभी क्या करेंसी का क्या रेट है? 83 रुपीज है आई थिंक, हाँ, 83, 27 और कैसे समथिंग हाँ, होता। और 1 यूएस डॉलर के जो करेंसी है अफगानिस्तान की, उसकी 75 रुपीज है, 75.44। तो मतलब बोलो भारत का रुपया अफगानिस्तान के रुपया से भी आज नीचे है, उसके करेंसी से भी आज नीचे चला गया। लेकिन भारत क्या है कि आंख बंद करके उसको मदद देता है। भारत में क्या होता है कि आप आटे पे 5% का जीएसटी पे करते हैं और उनको मुफ्त में। अब आपको हैरानी तो इस बात की होगी कि बांग्लादेश को 4 लाख मेट्रिक टन दे दिया, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ये इस्लामिक कंट्री से ही दोस्ती बनाई है जब से आए हैं तब से, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, मालदीव, ईरान और अफगानिस्तान, ये सब प्रमुख हैं। और ये पैलेस्टाइन भी, और उसमें ये कतर और वो भी आ गया, सऊदी अरब भी आ गया, कोई बचा ही नहीं है विशाल भाई दीनी यारी में। ये तो देखिए, दीनदार तो ये बचपन से थे, इसमें कोई वो बात नहीं है। और ये सब अपने मतलब दिलदार राजनीति, विशाल भाई उनके पैसे थोड़ी हैं, हमारे हैं। यहाँ गैस सिलेंडर 1200 के दिलवा दिलवा के इन सबको पैसे बांट दिए, और कितने कितने सारे बांट चुके हैं। और इनको मास्टर शोकवादी को पूछो तो ये फॉरेन पॉलिसी तुम क्या महामानव से ज्यादा जानते हो, उनके तो बहाने तैयार ही होती है कि ये फॉरेन पॉलिसी में करना पड़ता है। और सारे के सारे तो यही पहले क्यों कंट्री करना पड़ा? आप देख लो, नूपुर शर्मा और उसी ये, या उसके आगे सीए, और वो ये ट्रिपल तलाक के टाइम पे भी सब लोग यही कंट्रियां जिन जिन को पैसे बांटे हैं वही चिल्ला रहे थे, कश्मीर में धारा 370 में भी। अच्छा देखिए, टर्की की फर्स्ट लेडी से मिलता है आमिर खान मिलता है, मास्टर स्ट्रोकवादी एकदम इधर बवाल काट देते हैं कि देखो आमिर खान मिला है, देश विरोधी साजिश करने गया है, जो टर्की हमेशा कश्मीर के साथ खड़ा रहा, कश्मीर की आजादी के लिए मतलब भारत का विरोध करता रहा। वहां भूकंप आता है, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम भेजी जाती है, जिनका ड्रेस वैसे भगवा कलर का ही होता है। वहां भी मास्टर स्ट्रोक निकाल लेते हैं कि देखिए मोदी जी ने भगवा में कर दिया, क्योंकि तो वो पहले से भगवा होता है ईट कलर का। हाँ, तो ये तो इलेक्ट्रिक मास्टर शोकवादी तो इलेक्ट्रिक शॉक के हकदार हैं। तब तक पुराने जमाने जमाने में ना थोड़ी याददाश्त, और वो या वो कुछ दौरे पड़े तो वो वाला ट्रीटमेंट जब तक नहीं दोगे तब तक वो ऐसे ही मंडराते रहेंगे, क्योंकि आंखें खोलनी है वो जिसे, तो वो तो कुछ भी इतनी सारी चीजें हैं खुल ही जाए आंखें, लेकिन जिसे क्या बोलते हैं बैठे बैठे सोना है वो भी आंखें खुला रख के, तो वो तो फिर वो ही करेगा। तो ये महामानव के मास्टर शोकवादी को अब ये इनके तैयार ही रहते हैं कि तुम क्या फॉरेन पॉलिसी में भी जो एक्सपर्ट हो गए, आपको भी सवाल आएंगे मेरे को भी आएंगे, वही जो दिखता है वही है उनका। तुम क्या वो इतनी सारी भय, तुम क्या मानव महामानव से ज्यादा जानते हो, या हमारे लिए आएंगे सवाल। वो तो पूछते ही हैं कि आप पढ़े, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। हाँ, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए करना पड़ेगा पढ़े लिखे होने के लिए। तो तो कहीं ये तो तो ये पुलिस इंटर माने। हाँ बोलिए बोलिए। कह रहा कि ये तो पूरे 57 इस्लामिक कंट्री का भार उठा रहे हैं ये। हाँ
और पसमांदा का भी, भारत के। भारत के पसमानता को तो उठा ही रहे हैं, और उसमें क्या हुआ कि बाकी इस्लामिक कंट्री का तो उठा ही रहे। हाँ बिल्कुल। और मैंने जब ये मैंने अभी मैंने एक पूछा वो ट्वीट किया था, तब महामानव के समर्थक मास्टर शोकवादी आके बोलने लगे कि भारत सॉरी मोदी इंडिया पैलेस्टाइन का दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ हमास का दुश्मन है। ऐसा है, वो अपना वो एक्सक्यूज लेके आए थे कि भाई हमास को पैसे और ये सब तो वो ही देते हैं शरण वो तो। यानी आप पाकिस्तान में अगर आप बोल रहे हो कि हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, सिर्फ एलईटी के दुश्मन है, क्या ये बोल रहे हो तुम? एलईटी या जो भी वहां पे टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, आप पूरे पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हो, आप ये बताना चाहते हो? तो ये कैसा है मास्टर शोक में? तो वो तो वो ही समझाए, फिर जवाब नहीं आया बेचारे का। इस तरह की इससे पहले भी जब उनका वो क्राइसिस हुआ था उस समय भी तो यही हुआ था कि इन्होंने मतलब उस समय ये बताया गया कि नेहरू नेहरू का क्योंकि पॉलिसी था, क्योंकि शुरू में तो इसराइल खिलाते रहे, लेकिन बाद में जब इन्होंने भारत ने उसका पैलेस्टीन का समर्थन किया तो फिर इन्होंने बोला वो तो नेहरू के समय से चलता आ रहा। मतलब अभी इनका काम क्या सिर्फ नेहरू को गाली हिंदू देना, यही सब यही है इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट माना जाए। तो फिर गाली क्यों देते हो? उनके ही कार्य का कामों को आगे बढ़ा रहे हो तो फिर गाली देने का तो मतलब ही नहीं बनता। वही काम ये इन्होंने ये दूसरी जो है ये कांग्रेस की जो ये सच्चर कमेटी और दूसरे जो उनके काम है उनको ही 10 गुना आगे बढ़ा दिया है। फिर भी नेहरू या गांधी परिवार को गाली देने का मतलब ही क्या है? उन्हीं के काम को इतने सारा, लेकिन वो नहीं देते, ज्यादातर मास्टर शोकवादी ही देते हैं। नेहरू के चमचे, गांधी नेहरू के चमचे, ये सब वो कम देते हैं। वो बीच बीच में ला देते हैं नेहरू को या उनके प्रवक्ता लाते हैं। मोदी जी को तो बहुत कम देखा है। पहले जब ये गुजरात के सीएम थे तो नेहरू जी का ये बोलते थे कि गांधी नेहरू परिवार के नाम पर ये सारी चीजें होंगी, महाराणा प्रताप के नाम पर क्यों नहीं, मतलब महापुरुषों के नाम पर उस चीज को भुनाने का प्रयास करते थे वो जब गुजरात के सीएम थे तो अब ज्यादा होता था। अब क्या हुआ अभी भी करते हैं, कभी कभी करते, कभी कभी प्रशंसा भी कर देते हैं, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी एनी टाइम ये मतलब नेहरू को तो गरियाएंगे लेकिन काम उन्हीं का आगे बढ़ेगा। अब नेहरू ने कुछ भी किया होगा, पैसे तो हाँ नहीं दिए होंगे। कांग्रेस ने तो पैसे तो नहीं दिए, पैसे थोड़ी इन लोगों के पीछे नहीं बहाया जी। इन लोगों ने महामानव ने तो पूरी तिजोरी खोल दी है। मालदीव, अफगानिस्तान, ईरान और बाकी एक्स्ट्रा ये पैलेस्टाइन, बाकी एक दो और हैं मुझे लगता है, सीरिया में भी होंगे, मदद पहुंचाई होगी सीरिया में दिया सीरिया है ना, में। वहां पे स्टील प्लांट लगवा रहे हैं, हाँ तो देखा सीरिया में स्टील प्लांट तो लगवा हाँ, रहेंगे। तो ये महामानव ही कर सकते हैं, तिजोरी खोल के बैठे हैं। यहाँ लोगों के ये एक तो बिल ज्यादा आ रहे हैं, गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं और ये दुनिया वहां बांट रहे हैं जहां से मिलने वाला कुछ नहीं है रिटर्न में। सिर्फ और मैं महामानव को सिर्फ आपको वो विश्व गुरु की छवि मिलेगी और कुछ वो छवि भी वो धुंधली है वो टाइटल लूट दिलाने में अपने मकसद में। और ये देखिए, मास्टर शोकवादी की जय जय। ये तो अपने मजहब के लिए काम कर रहे हैं, ये सब अवार्ड ये भी जानते हैं कि इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी आप लोगों को दिखा देते हैं, जैसे कि इन्होंने सीरिया वाली बात की ना, अभी आपको दिखा देते हैं ताकि आपके पास भी एक वैसे पता ही होगा, हमने पहले चर्चा किया हुआ है इसके ऊपर। $280 मिलियन इन्होंने सीरिया को दिया है, $280 मिलियन। बोलो मुझे याद नहीं था ये, और मुझे लग रहा था कि इन्होंने दिया ही होगा सीरिया को। फिर केरला स्टोरीज की ये बातें करते हैं। बोलो, एक तरफ वहां से ही सीरिया गए थे ना, सीरिया अफगानिस्तान ये सब ट्रेनिंग लेने के लिए एक तरफ।
देखिए केरला स्टोरी की क्या बात करेंगे, 2020 की बात है, 2020 की बात है जब सरकार ने पार्लियामेंट में बात कही थी कि केरल से लव जिहाद की एक भी घटना सामने नहीं आई है। ध्रुव राठी जो है उन्होंने इनके जवाब को भी, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट में सरकार क्या पक्ष रखती है और सुप्रीम कोर्ट में क्या बोलती है इसको मतलब माना जाता है कि ऑफिशियल है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि ये पार्लियामेंट को भी गुमराह करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करते हैं, कई बार तो इनके ऊपर पेनाल्टी लग चुका है। और मास्टर शोकवादियों को भी गुमराह करते हैं, वो लगे हुए हैं, वी बिल्कुल स्टैंड विथ इसराइल, आई स्टैंड विथ इसराइल लगे हुए हैं। और बहुत सारे ये न्यूज चैनल के पत्रकार भी हैं और सरकारी यूट्यूबर भी लगे हुए हैं, और लेकिन वो कभी ये चीज नहीं बताएंगे कि महामानवों ने पैलेस्टाइन को क्या क्या दिया है। आज भी मैंने देखा कि ये रिपब्लिक भारत की बात कर रहा हूँ, वो दिखा रहे थे कि कतर फंडिंग करता है, ये फंडिंग करते हैं, कहीं इंडिया ने फंडिंग की वो तो दिखाओ, और वो नहीं दिखाते तो तभी ये इनका वो काम चल जाता है, थोड़ी बहुत गोदी मीडिया भी मदद कर लेती है। देखिए बात ये भी है ना कि वो अब न्यूज इसलिए नहीं दिखाया जाते कि उसको सच्चाई दिखानी है, अब इसलिए दिखाया जाता है कि जैसे पुराने भारत में आप देखिए जो कोई अगर भ्रष्टाचार या किसी सरकार की कोई खुलासे करता था तो उसको देशभक्त माना जाता था, उसको माना जाता था कि बहुत ईमानदार आदमी, मतलब कि जो सरकार का पर्दाफाश। लेकिन अब आप सरकार की सच्चाई बताएंगे तो आपको देशद्रोही के श्रेणी में रखते हुए ऐसे ही आपको बायकॉट कर दिया जाएगा। हाँ, और ये देख लीजिए, इंडिया ओ ऑफर्स 280 मिलियन टू सीरिया फॉर बिल्डिंग पावर एंड स्टील प्लांट। भारत में स्टील प्लांट बताइए बंद हो रहे हैं, ये। भारत में स्टील प्लांट बंद हो रहे हैं, उसको चलाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, इच्छा नहीं है, जो भी नहीं है, और 280 मिलियन डॉलर ये सीरिया को दे रहे हैं। ये भी महामानव के कार्यकाल में ही होगा, महामानव के उन्हीं की कार्यकाल कृपा में है। उन्हीं की कृपा से हुआ है, दूसरे किसी की बात नहीं है, पिछले साल की बात है। बोलो, ये बड़े बड़े कंट्री क्या मर गए हैं जो भाई ये इतने दानवीर हो गए हैं, यहाँ लोगों के ये घर का खर्चा क्या चलाना मुश्किल हो रहा है, गैस के दाम, महंगाई, अरे टिकट लेके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं जा पा रहे हैं मैच देखने, खुद उन्हीं के नाम पे, और ये पैसे बांट रहे हैं पैसे, और ये वैक्सीन, और वैक्सीन तो छोड़ो, ये गेहूं आपने बताया, खाना पीना, टेक्नोलॉजी भी बांट रहे हैं, ब्रह्मोस भी दी है मुझे लगता है बहुत सारी कंट्री को, तो आरटीआई डाल के कितनी इस्लामिक कंट्रियों को ब्रह्मोस का कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो भी देखना पड़ेगा डिफेंस डील में। वही चीज है। अब जैसे आप इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो रुपये में कन्वर्ट करके देखिए कि कितना बड़ा अमाउंट है। और सीरिया जैसे देश को दिया जा रहा है जिसका मतलब एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो आतंक का गढ़ है, वहां पे आईएसआईएस का कब्जा है, वहां पे इस तरह की चीज है, वहां और स्टील प्लांट के लिए किए जा रहे हैं, भारत में बंद हो रहे हैं, लेकिन इसकी कोई चिंता है ही नहीं। यहाँ पे तो सड़कें ठीक नहीं है ना, ये वहां पे डाल रहे हैं अभी तक आधी सड़कें बेकार हैं, बाढ़ आ जाती है, बारिश हुई नहीं कि हर जगह पानी भर जाता है, वो सब ठीक, तो वो विकास, इनका विकास ये वाला विकास है, बाकी तो मुझे लगता ही कि इन्होंने कुछ खास किया है विकास के नाम पे। वो स्मार्ट सिटी तो वो सिटी आपने दिखाई थी, वो विसल वाल बजाने वाली वही है। नीतीश जी बोल रहे हैं कि अब्बास अपने खर्च पर कानपुर लेकर गया था इनको। नहीं, मामला उससे ही पहले का है भाई, पता करेंगे तो शायद ये भी आपको सामने निकल कर आएगा कि वो अब्बास भी कोई और नहीं था। खैर छोड़िए इस चीज को। अभी छोड़िए, अभी वो अब्बास का चैप्टर तो अलग है, वहीं से बचपन में मगरमच्छ पकड़ा था या अब्बास,
अब्बास के साथ क्या किया और क्या वो कहाँ कहाँ घूमे थे, वो तो जान छानबीन का विषय है, वो तो मीडिया वाले बता सकते हैं। वैसे भी ये सारी कहानियां वो ही बूंद के लाए हैं, तो ढूंढ ढूंढ के इतनी सारी मदद, भाई कौन आज तक तो किसी ना, मुझे नहीं लगता किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने भी की है या किसी और। हाँ वाजपेयी भी थोड़े ऐसे थे, इतने बड़े भी नहीं थे, लेकिन वाजपेयी भी उन्हीं के पैलेस्टाइन को लेकर तो उन्हीं का जो था अप्रोच, बहुत ही ऐसी गहरी दोस्ती उन्हीं की भी थी, तो उसी को उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे पैसे, ये मुझे लगता है कहीं ब्रह्मोस ना दे दे। देखिए वाजपेयी जी भी ठीक नहीं थे, लेकिन वाजपेयी जी क्या है कि इनके बराबर नुकसान नहीं किया वाजपेयी जी ने, इनके बराबर तो नुकसान घर किसी ने नहीं किया। ये तो कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री देख लो, मुझे नहीं लगता ये इतना सारा कुछ किसी ने किया हो। भाई इंडिया में इतना सारा कुछ करने को है, आपको यहाँ से फुर्सत कहाँ मिलती है? आप क्या अमीर देश की श्रेणी में आते हो तो ये चले जाओ, आपका ये क्या एक डॉलर के मुकाबले आपका क्या 3-4 रुपये चल रहा है क्या? 83 चल रहा है और आप दुनिया की टेंशन सर पे डाल के घूम रहे हो, और ना ही फिर भी आपके जो भी पॉलिसी है दूसरे में ना ही कोई ये लोग यही लोग सपोर्ट नहीं करते, और देखिए ये ऊपर से तो जिस हिसाब से हैंडल कर रहा है, अगर वो चीज बोल दिया जाए तो विवादित हो जाएगा, इसलिए बोलना नहीं चाह रहा है। लेकिन मतलब पूरी तरह से जो कहा जाता है ना कि इन लोगों ने ये सोच लिया कि चलो हम देश से ऊपर हो गए, हम जो भी अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, जी रहे हैं, जैसे मर्जी कर रहे हैं सर। विजन तो किसी भी चीज को लेकर नहीं है। अच्छा एक चीज वहां पर बहुत ही चौंकाने वाली है, चौंकाने वाली क्या है, ये इनका प्रैक्टिस भी रहा है। जब हमास के आतंकियों ने हमला किया तो एक इसराइल की महिला को उन्होंने किया, उसका एक आपने देखा होगा फोटो या वीडियो, फोटो सामने आ रहा था। मतलब उसके हाँ ऊपर कितनी बेशर्मी से, बेरहमी से उसको नोच रहे हैं। जैसे कि मतलब आपको पता है कि युद्ध के दौरान काफिर की लड़की को अगर हासिल कर लिया तो किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, वो तो खुले खुले तौर पर दिखा है। हाँ उनके उसकी डेड बॉडी पर थूक भी रहे थे और उसको ले जा रहे थे, वो वीडियो मैंने देखा है। तो मतलब ये पूरे वर्ल्ड में चाहे कहीं भी हो, लेकिन सिस्टम एक ही चल रहा है। बस काफिर की अगर युद्ध के दौरान लड़की मिल जाए तो उसके साथ क्या करो, जो कि उसका विभत्स स्वरूप यहाँ पर दिखाया भी नहीं जा सकता, उस तस्वीर को जो कि वहां पर देखने को मिला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है। एक तो ये तो इनके काफिर का तो लिखा ही हुआ है दीनी किताब में जो, लेकिन ये जो इज़राइल का जो ज्यूज है उनके लिए कुछ लिखा हुआ है जैसा मैंने सुना है, तो उनके ऊपर तो है ही सभी का, इन सभी जितने भी के लिए मुल्क है। हैं और उनकी। आपको क्या लगता है कि हाँ भारत में अगर इनकी विजय हो जाती है तो क्या भारत का यह मंजर नहीं होगा? भारत का तो इससे भी खतरनाक मंजर होगा। लेकिन अब मास्टर स्ट्रोकवाद जी यह है कि बस बात इंतजार कर रहा कि बस इसी चक्कर में है कि वो तो डूबेंगे ही, बाकी लोगों को भी डुबाएंगे इसी चीज में। हाँ ये मास्टर शोकवादियों के चलते ही डूबेंगे, क्योंकि उनको आंखें खुली रख के भी सो रहे हैं जैसे मैंने आगे कहा था, तो यहाँ पे भी इतने ही हैं समर्थक उनके। और मुझे लगता है हमास ने तो ये जो किया है तो उससे तो ये जो काफी टाइम से अभी ठंडे थे कुछ जगह पे, अंदर की बात नहीं करूँ, अड़ोस पड़ोस की, अंदर पे तो वो चल ही रहा है पत्थरबाजी और वो सब, तो जो तो बाकी लोगों को ये जो कुछ करने का वो इनका जो होता है तो उसके लिए उनको मोटिवेशन मिलेगा, फंडिंग तो इनको मिल ही जाती है, तो वापिस वही पैसा वहां से जो अभी सीरिया डाला है वही पैसा शायद पाकिस्तान बॉर्डर होते हुए इंडिया में भी दाखिल हो सकता है, जो सीरिया ये पैलेस्टाइन को दिया है। बीच में पैलेस्टाइन भी अगेंस्ट था ये कश्मीर 370 के टाइम या CAA के टाइम पे, ये भी ये चाहे महामानव के अगेंस्ट ही बोल रहा था पैलेस्टाइन भी, तो वैसे सभी मुल्क थे जहां जहां महामानव ने अपनी फंडिंग और कृपा बरसाई है, फिर भी लेकिन वो तो लगे ही हुए हैं
वसुधैव कुटुंबकम और जीतने के लिए। कतर में भी हुआ था ना कुछ, कतर के टाइम पे भी, कतर में भी कुछ हुआ था। कतर के टाइम पे तो बहुत कुछ हो गया, कतर के सामने तो इनकी गोली नहीं निकलती है। हाँ वो कतर पे शायद नूपुर शर्मा के टाइम पे हुआ था कतर का, या वो हाँ और कुछ हुआ। बिल्कुल, तभी तो अजीत डोवाल का देसी जेम्स बॉन्ड का वो बयान आया था कि हम ऐसी सजा देंगे कि जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनेगा। बताइए इतना समर्पित कौन होता है कि अपनी पार्टी वालों को भी ये, उन्होंने तो मास्टर शोकवादियों को मैं तो कहता हूँ ये, उनको भी एक बार आप कुछ ऐसी कृपा बरसा दो तो हम आपका उपकार नहीं भूलेंगे। क्योंकि काफी तड़पते रहते हैं और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, तो उनको भी सही दिशा मिल जाए। सही है ना विशाल भाई, कि उनको सही ठिकाना मिल जाए, मास्टर शोकवादियों को भी उसे वो तो कैसी। खैर सुधरने वाले नहीं है, उनका उनको इन चीजों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि उनको मतलब ऐसी अरे ऐसी देख चीजें के दी भी जाती हैं। बहानेबाजी यार। अब देखिए ना, ये जो हमास ने अटैक किया, फिर इसराइल ने किया, इसमें भी कुछ अभी आ जाएगा कल तक, कहीं ना कहीं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, उसमें भी कुछ 56 वाला कनेक्शन जोड़ के फिर उसके बाद उसको भुना भुना लेंगे अपने लोगों के बीच में। हाँ और ये इनका मास्टर शोकवादी तो पता नहीं इतने जोश ये लाते कहाँ थे, कहाँ से हैं डिफेंस डिफेंड करने के लिए इनको, महामानव को। इनके पास बहाने का तो कुछ भी कर लो मिल ही जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आपको किसी ने 1+1 2 सिखा दिया तो आप 2+2 करके 4 तो कर सकते हैं, तो इनको ये जुमले सुनकर बड़े हुए हैं। उसके बाद अब क्या हुआ कि 18 18 घंटे ये हाँ भी जुमला सुनते 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 जैसे धुन से धुन बना लिया, तो ये भी जुमले तराशने लगे, और क्या करते हैं इस तरह के धुन तैयार करते रहते हैं और उसी धुन पर फिरक रहे होते हैं, और जो कि सच्चाई तो अब सामने है, आप लोग आपने सब देखा कि भारत सरकार संवेदना इधर जाहिर कर रही है इसराइल के साथ, लेकिन दिल जो है वो हमास के लिए धड़क रहा है। हाँ वो उनकी फॉरेन, फिर बोलेंगे कि तुम क्या, अब तुम्हें क्या पता फॉरेन पॉलिसी क्या कैसे होती है, यूएन में वोट लेना, वो सदस्यता पाना, ये सब उनके बहानेबाजी। और ये विदेश मंत्री एस जयशंकर को तो वो सुपर हीरो गिनते हैं। उसके पहले सुषमा स्वराज थी, सुषमा स्वराज ने भी काफी कुछ किया है। थैंक्स, उसके भी ट्विटर था मैंने, वो ये पैलेस्टाइन के लिए मदद को लिए, या मदद आई थिंक फाइनेंशियल मदद के का ही था एक चीज सुषमा देख स्वराज का लीजिए भी। कि भारत में तो आज हर चीज बयान हो गया है, अगर इस तरह की घटना अगर भारत में, भगवान ना करे कि वो अगर इस तरह की घटना हो जाए, तो मणिपुर में देखा जाए तो उसे भी खतरनाक चल ही रहा है, तो भारत में तो अभी निंदा करने में भी 2 4 6 महीने लगा देते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं। भारत में इसराइल हो का तो गई विशाल, भारत में हुआ तो मुझे नहीं लगता ये अपना अपना जो ये कंट्री इंडिया इतना कैपेबल है ये इसराइल की तरह। उनका तो सिक्योरिटी सिस्टम इतना बड़ा था फिर भी कॉलेप्स हो गया, और सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ तो रॉ तो सिर्फ फिल्मों में काम करती है, यहाँ अजीत डोवाल तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है। तो फिल्म बॉलीवुड की मूवी में तो आप देख लो कि रॉ एजेंट कहाँ से कहाँ घूमते रहते हैं, क्या क्या कर लेते हैं। लेकिन ये तो मुझे लगता है कि ये अगर इंडिया में हुआ तो हम झेल नहीं सकते, मुझे नहीं लगता इतना भी नहीं झेल सकते। रिटालिएट करना तो ठीक, लेकिन हम इंडिया मुझे नहीं लगता अभी के स्टेज पे, क्योंकि अब तो हर जगह क्या बोलते हैं, इन्होंने 3 4 जगह से अटैक किया, और इनका जो लॉबी है इंडिया में भी मौजूद ही है, इंडिया में भी खुशी मनाने वाले हैं ही उनके, तो अंदर भी हैं इसराइल के अंदर, इतनी अंदर से इतनी थ्रेट नहीं है, यहाँ पे तो अंदर भी खुशियां मनाने वाले हैं। तो
इंडिया को काफी, मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत दिक्कत हो सकती है। चलिए ये सब तो बातें रही, अब कुछ फनी जी है, कुछ फन की बातें हो जाए, ज्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छा हाईली ओवररेटेड की बात होती है तो पहले तो औलिया जी हैं, जो कि इनके बारे में पूरा वैश्विक नेता, वो ये कौन नास्त्रे दमस था ना, जिसने बताया था कि एक भारत में एक पैदा होगा और पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, तो एक तो वो मास्टर स्ट्रोक था उस समय, मतलब मास्टर स्ट्रोक के बाद एक खूब ये कहानी सुनाते थे। तो उसके बाद जेम्स बॉन्ड के पाकिस्तान की कहानी, कि पाकिस्तान में रहते थे, भेष बदल कर ऐसा हुआ कि मौलाना बनकर वहां की खुफिया जानकारी ली जेम्स बॉन्ड। उसके बाद मास्टर स्ट्रोकवादी ट्विटर पे पूछते थे, अच्छा बताइए कौन सा ऐसा गृह मंत्री है जिसने बोला कि हम कश्मीर के लिए अपनी जान की बाजी जान लगाएंगे, जान दे हाँ जान दे दें। देंगे। हाँ उसके बाद वो वीडियो खूब चलाते थे और पूछते थे कि वो कौन सा ऐसा गृह मंत्री है। उस समय क्या हुआ कि लॉ पुरुष अमित शाह, और मास्टर स्ट्रोकवादी के ने क्या कि अमित शाह का एक फोटो था, ऐसा था ना ऐसे, जो कि हाँ चाणक्य का फोटो था पीछे, तो चाणक्य का फोटो। तो फिर उसके बाद जो तमाम घटनाएं हुई तो वो भी हाईली ओवररेटेड साबित हुए। उसके बाद अब एक नए आ गए हैं मास्टर स्ट्रोकवादी हो गए, एस जयशंकर। एस जयशंकर बयान देते हैं एकदम पश्चिमी देशों को ये करके, उसके बाद मास्टर स्ट्रोकवादी बताते हैं कि एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों की औकात दिखा दी। औकात क्या, भारत में बस औकात इसी चीज पर चल रहा है, बयानबाजी, सिर्फ बयान 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 करना, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ बयानों के आधार पर पूरे विश्व का संचालन होगा। हाँ, अभी एस जयशंकर ने यूएन में भारत कह के भी संबोधित किया था तो ये लगा रहे थे। और एस जयशंकर भी जेएनयू से ही पढ़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हो जेएनयू के वो निर्मला सीतारमन रमन भी आई थिंक जेएनयू की ही है। हाँ हाँ, तो ये और ये मास्टर स्ट्रोक हो सकते हैं, क्योंकि इनके लिए तो जो एक तो मीडिया हाइप बना दे, और ये एस जयशंकर का ऐसा है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है अमेरिका, जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, उनके आगे इनकी जबान चल जाती है। जहां इस्लामिक कतर के अगेंस्ट बोलना है या तुर्की के अगेंस्ट बोलना है तो वहां तो बोल ही नहीं पाते, वहां तो वहां कुछ कर ही नहीं पाते। या ईरान हो, वहां तो इनको सांप सूंघ जाता है, या सिर्फ पाकिस्तान के आगे थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, करते कुछ नहीं है। और जैसे ये होता आया है, और बाकी जो समझते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इनकी हवा उधर क्यों नहीं चलती। तो सिर्फ ये जो लोग और दूसरे हैं कि जहाँ ये मीडिया क्या करती है, जिसको गोरे लोग थोड़ा मीडिया में या कहीं पे जगह दे दें, या थोड़ा भाव बढ़ा दे, या शेकेंड कर ले, जो एक नेचुरल होता है वेलकम करने का स्टाइल, वो कर ले, तो इनको इतना ऊपर ले आते हैं मीडिया वाले। तो उसमें कोई भी हो, ये अपने क्या रॉ के अजीत डोवाल क्यों ना हो, रॉ जैसा मुझे तो सिर्फ फिल्मों में लगता है, बाकी इंडिया का कोई इतना कोई पावरफुल रोल रॉ क्या कुछ भी नहीं लगता। वरना तो मणिपुर में तो मणिपुर हो गया, इतना सारा कुछ हो गया, फिर भी इनका कोई एजेंट बेजेंट कुछ दिखता नहीं है, ऐसा ऐसा अच्छा मुझे हमारे लगता है जो विश्व गुरु, पर्सनली। हमारे जो विश्व गुरु हैं, मैं नहीं जानता है कौन है, आप लोग जानते होंगे, ये हमारे जो विश्व गुरु है, ये विश्व गुरु क्या होता है, कहीं से मान लीजिए कहीं कोई आयोजन हो रहा है, उस सम्मेलन में 10 10 15 20 लोग एक साथ चल रहे हैं, विश्व गुरु अगर बीच में कहीं खोए हुए, दौड़े दौड़े आगे जाकर खड़े हो जाते, उसके बाद फोटो क्लिक हो जाता है, देखिए पूरे विश्व का संचालन करते, पूरे विश्व को का नेतृत्व करते हैं हमारे विश्व गुरु। तो बस कैमरा अरे बयान अरे, आज भी मैं रिपब्लिक भारत नाम लेके बोलता हूँ, क्योंकि मैंने वो एक ज्यादा तो न्यूज देखता नहीं, आज ही कि दुनिया ये इज़राइल की वो खबरें दिखा रहे थे, उसमें वो ग्राफिक लगा के सबसे पहले महामानव, फिर ये जो बाइडन, और फिर ये मैक्रोन,
उसके बगल में ये दूसरे नेता ऐसे लगा के, और विश्व नेता ऐसे, इसमें सबसे बड़ा ओवर रेटेड करने में सबसे बड़ा जोकर जर्नलिज्म का हाथ है, इसमें सभी आ गए। मैं एक न्यूज चैनल की बात नहीं कर रहा, उसमें सभी आ गए, चाहे अजीत डोवाल को इस तरह से प्रेजेंट करना हो, या महामानव हो, या किसी भी अन्य को, या एस जयशंकर को, तो ये इनकी जोकर जर्नलिज्म के चलते ये ओवर रेटेड हो जाते हैं। अपना जो स्टाइल है वो जेन्युइन यहाँ का तो है ही नहीं किसी भी चैनल, इसमें सभी आ गए। एक मामला याद आता है कि हमारे जो विश्व गुरु है, मैं नहीं जानता है कौन है ये, हमारे एक विश्व गुरु है। तो विश्व गुरु क्या हुआ कि उस वहां पे थे बाइडेन, ये सब लोग थे, तो विश्व गुरु को ना वहां पे इग्नोर कर दिया गया। बस वो बातें विश्व गुरु को खटक गई। उसके बाद जब सारे चल रहे थे, विश्व गुरु एक ही बार छलांग लगाकर आगे आ गए और कैमरा के सामने ऐसा आंख भिड़ाया, फोटो कैद, उसके बाद पूरे विश्व का संचालन शुरू। ऐसा ही हुआ था। हुआ होगा। पहले तो विशाल भाई, आप विश्व गुरु बोल रहे हैं या विश्व विश्व गुरु बोल रहे हैं? पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। वैसे ये दोनों में फीट होते हैं। तो विश्व गुरु, हाँ, ऐसे स्टंट कर चुके हैं। ये विश्व गुरु जो है एक पूरी तरह से काल्पनिक करेक्टर है, इसका जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। नहीं, कल हो के आप ये बोलने लगे कि मैंने विश्व गुरु किसी व्यक्ति विशेष का मैंने कोई अपमान कर दिया, ये सब कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसा कोई ये नहीं है। विश्व गुरु एक काल्पनिक करेक्टर है जिसका जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। हाँ, तो ये तो छाए ही रहते हैं हाँ, इसी एक मिनट एक तरह। मिनट, इसके बावजूद भी आप लोग जो समझ रहे हो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हाँ, तो अब मैं भी विश विश गुरु के ऊपर आता हूँ। तो उन्हें तो काफी ऐसा रूप अपना लिया है, अब तो वैसे कैमरामैन तो होते ही हैं, कैमरा पे प्रेमी हैं, तो फोटो खिंचाने में तो वो हर जो जहाँ पे दूसरे नेता हैं तो वहां उनको पता है, और उनको अच्छे से पता है कि गोदी मीडिया कैसे प्रेजेंट करेगा उनको, तो वो अपना कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ ही देते हैं जिससे इन लोगों का गुजारा भी हो जाए, और गोदी मीडिया का हाथ मिलाना हो या गले मिलना हो या उस तरह से कोई चलना हो, शेर आया उस तरह, उनको पता है कि इस तरह का वो मटेरियल उनके काम आएगा। उन्हीं के एक तो आईटी सेल या तैयारी होते हैं, तो वो सारे काम पे लग जाते हैं, पूरी पीआर मशीनरी बोल सकते हो उसको, तो उनको अच्छा, पता है कि मान क्या, मुझे लीजिए लगता है इनको कोई जैसे मैनेजमेंट चल रहा है इसके पीछे, पीआर मैनेजमेंट टीम लगती है इसके पीछे। मैं थोड़ा प्रयास करूं भंजी जी, क्या हाँ, करो करो, बिल्कुल, आप तो बहुत अच्छे से करते हो यार। नहीं मैं बोल नहीं रहा। तो भंजी जी क्या होता है कि जैसे कि जो हम विश्व गुरु है, विश्व गुरु, जैसे विश्व गुरु के सामने कोई आ गया, मैं खड़ा होता तो थोड़ा और अच्छे से आपको बता पाता। उसके बाद ना इशारा ऐसे करते हैं कैमरे की तरफ, मतलब उसको हाथ मिलाते हुए और उसको कैमरे की तरफ दिखाते हैं, मतलब बस फोटो फोटो क्लिक। उसके बाद वो फोटो क्लिक हो जाता है, तब तक पता चलता है कि पीछे हाथ करते हैं, कि वो आगे पीछे खड़ा हो जाए, तब तक वो फरार हो जाती है। हाँ, मैंने देखा था वो G20 का था आई थिंक, और वहां और फिर वो उनको, लेकिन इतना सारा है, लेकिन वो ये सेकंड टर्म में तो गायब ही है, किसी मीडिया को सवाल के जवाब देने आते नहीं है। अब मुझे लगता है अब 2024 के इलेक्शन के बाद ही आएंगे तो जवाब देने, तब तक तो ये सेकंड टर्म में तो गायब ही है, किसी को इंटरव्यू दिया नहीं। विशाल भाई का आप ले लो इंटरव्यू विश गुरु का, अपॉइंटमेंट लेके। करण थापर ने एक इंटरव्यू लिया था, हालांकि वो दूसरा एंगल था, जो भी था, तो उस समय पानी पी रहे थे आप ग्लास से, लेकिन यहाँ बाल्टी से पानी पीना पड़ेगा, बाल्टी से, बड़ा वाला बाल्टी लेके ना। तो
मुझे तो लगता है, मुझे लगा कि लोटा लेके जाना पड़ेगा। चलिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप लोगों से फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आप विश्व गुरु का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, इसलिए अनावश्यक किसी भी तरह के कयास ना लगाए जाए। आप जो भी समझे सब कुछ ठीक है और सबके ऊपर ठीक जी, और आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बाकी आप धन्यवाद झोला, जोशी धन्यवाद भाई। जय श्री राम। और आपने, मैं सुना कि झोला आपने भी तैयार कर रखा है, और लगातार यहाँ पर झोला की बात आती है, तो आप लोग ठीक है, अच्छी बात है, झोला झोला तैयार रखे, झोला रखना भी चाहिए, झोला अच्छी चीज है, क्योंकि ना कई बार आजकल ना पन्नी ये सब कुछ उठा कर लाते हैं, इससे पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन भी बढ़ता है, तो पन्नी वैसे ठीक नहीं है आप जानते ही, तो आते आते सब, मतलब एक चीज आप ध्यान रखिए कि झोला रखेंगे तो बहुत एक तरह काम मिलेगा। मान लीजिए कोई सामान ले लिए और कोई विश्व गुरु का आदमी मिल गया, तो उसको दे भी सकते हैं, आपको लगेगा कि आपके 200-300 रुपये बर्बाद हो गए, लेकिन नहीं, वो सही जगह जाएगा, और संभव हो तो किसी मास्टर स्ट्रोकवादी को झोला में उठा के दे दीजिए, वो एक ही बार फेंकेंगे कि सीधे कानपुर पहुंच जाएगा। झोला में वैसे 2 केला, 1 रुई और डेटोल का बोतल तो आ ही जाएगा अंदर तो। वो तो बाद में, वो हम लोग संपर्क, उनका संपर्क बाद में करा देंगे, लेकिन फिलहाल अगर अभी कोई झोला झोला में किसी को भेजना हो तो किसी मास्टर स्ट्रोकवादी को डाल दीजिए। और फ्रेंड जी आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, बाकी जिंदा रहे तो फिर धन्यवाद। मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो, और जिस गुरु को लेकर आप लोग कोई भी किसी भी तरह का कयास ना लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी फ्रेंड जी, और आप विश गुरु बिस गुरु बिस गुरु। चलिए हम आप लोग जी इसको मतलब एंड करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ये 20 गुरु, ताकि हम ठीक अच्छे से कहीं दिक्कत ना आए। ठीक है ठीक है। जी बहुत धन्यवाद आप लोगों का।